अब आई वो पीढ़ से 35 साल पुराना वाला भीख भी मांगेंगे। जगह के जो बुलडोजर खरीदे उनका ड्राइवर बनारस वाले मिश्रा जी बदलवा दिए। बनारस मुझसे प्यार करते हैं। मोदी जी कैसे कह रहे हैं? तो मोदी जी का जो है लव जिहाद वाला प्यार है। उटकटुआ आपके कह देने से थोड़ो नहीं हो जाएंगे, आपके कह देने से उटकटुआ नहीं हो जाएंगे। रहे और मीम पार्टी से इलेक्शन लड़ने की क्या वजह रही? देखिए मामला ये है कि कांग्रेस पार्टी यहाँ जो बनारस का जो निर्वाचन क्षेत्र है उसमें जो है नरेंद्र मोदी के सामने वो डर गई, भारतीय जनता पार्टी के सामने सलेंडर कर गई। और जो लोग सवालों पे लड़े हैं और बनारस और बनारसियत के सवाल पर लड़े हैं वो लोगों के लिए कोई मंच नहीं बाकी रह गया। ऐसे स्थिति में असद ओवैसी साहब की पार्टी ने मुझे ऑफर दिया, कहा कि आपने आंदोलन किया, आपने लड़ा है और आपकी लड़ाई को आगे जारी रखने के लिए मजलिस आपको टिकट देना चाहती है, आप अपने स्वेच्छा से बताइए क्या करना। मेरी भी लड़ाई अधूरी रह जाती, इसलिए हम लोग जो है चुनाव में अपनी भागीदारी करने के लिए मजलिस के टिकट से चुनाव चिन्ह पतंग से हम चुनाव लड़े। मिश्रा जी कुछ ही घंटे में वोटिंग होगी, क्या उम्मीद लग रहा है आपको? हम तो जीतने जा रहे हैं, माहौल जाके पता कर लीजिए, अपने मुंह से बोलेंगे तो लगेगा कि बेखुफ्ताना बात कर रहे हैं। आप जनता के बीच में जाइए और देखिए उनके मिजाज को, जो आक्रोश है, जो गुस्सा है सत्ता पक्ष से, उसका सीधा का सीधा रिएक्शन जो वोट है वो सीधे मजलिस के पास जाता है। लगातार एक सवाल उठाया जाता है मीम पार्टी के खिलाफ कि वोट कटवा पार्टी है, बीजेपी की बी टीम है, बीजेपी को फायदा पहुंचाती है, तो कहीं ना कहीं आप बीजेपी को फायदा पहुंचा रहे हैं। हाँ ठीक है, आप भी बनारस में आए हैं, कई दिन से आए हैं? 3 दिन हो गए सर। सर्वे किए होंगे? सर्वे किए हैं। कांग्रेस पार्टी का कैंडिडेट कैसा है? कांग्रेस की तो सर हालत खराब है उत्तर प्रदेश में, उसकी तो बात ही नहीं। उसका कैंडिडेट मेरे विधानसभा में बात करिए, अगर आप घूमे हैं तो जाहिर सी बात है कि आपके पास रिपोर्ट होगी। वोट कटुआ आपके कह देने से थोड़ो नहीं हो जाएंगे, आपके कह देने से वोट कटुआ नहीं हो जाएंगे। किसकी कौन सी कार्रवाई है उस कार्रवाई के तहत हम वोट कटुआ हैं कि नहीं है इस बात को रखना देखना है। आप जाके देखिए कांग्रेस पार्टी की जो प्रत्याशी हैं वो घर से बाहर नहीं निकल रही हैं, सिंबल अलर्ट हो गया है और वो खाली वोट काटने पे लगी हुई हैं। समाजवादी पार्टी के जो कैंडिडेट हैं वो हमारे विधानसभा के ही नहीं हैं, समाजवादी पार्टी के पास हमारे विधानसभा का कोई नेता नहीं रह गया जिसको वो वोट दे पावे। ऐसी स्थिति में समाजवादी पार्टी के जो लोग उत्तरी विधानसभा के वोट करेंगे समाजवादी पार्टी को, वो वोट कटुआ होंगे कि नहीं होंगे? मैं इस विधानसभा का नेता हूँ, मैं आंदोलन का नेता हूँ, मैं बनारस और बनारसियत के सवाल पे लड़ा हूँ, मुझसे पूरे एक एक जनता के लोगों का दिली लगाव है, तो समर्थन तो मेरे पास जा रहा है। तो यहाँ उत्तरी में वोट कटुआ मजलिस नहीं है, वोट कटुआ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस और बसपा के लोग हैं जो अंडर टेबल सेटिंग करके पैसा लेन देन करके नरेंद्र मोदी के चरण चाटन को करने का काम किया, गुलामी करने का काम किया, उनके सामने अपना घुटना टेकने का काम किया, मजलिस ने नहीं किया। अच्छा, मिश्रा जी ठीक है आप बहुत मजबूत स्थिति में पूरी देश की नजर है, लेकिन प्रधानमंत्री डटे हुए बनारस में, कह रहे लोगों ने नमक खाया है मोदी का, नमक का हक अदा करेगा लोग ना? नमक का हक अदा तो करता ही है बनारस, गुजरात को नहीं करेगा, हैदराबाद को भी करेगा। क्या गुजरातियों का कर्जा खाया है बनारस? बनारस दिल्ली को भी प्यार करता है, अरविंद केजरीवाल को देख लीजिए, बनारस गुजरात को भी प्यार करता है, आप जाके देखिए नरेंद्र मोदी को, बनारस अब की बार हैदराबाद से भी प्यार करने के मूड में है, और देखिएगा मजलिस का रिजल्ट क्या होगा। तो बनारस वाले मिश्रा जी का बनारस वाले प्यार करेंगे कि नहीं सर? अरे अजीब बात है, आपके घर के लोग आपसे प्यार करते हैं कि नहीं? तो मोदी जी का है सर। नहीं नहीं आपका घर, हाँ। आपके घर के लोग आपसे प्यार करते हैं कि नहीं करते? करते ही हैं सर। करते हैं ना, हाँ। मेरा घर है बनारस, मेरा परिवार है बनारस, मुझसे प्यार करते हैं। मोदी जी कैसे कह रहे हैं? तो मोदी जी का जो है वो क्या कहा जाता है उसको, लव जिहाद वाला प्यार है। अच्छा एक एक सवाल ये बता दिए सर मुझे कि आप मीम पार्टी को इस विधानसभा चुनाव में कहाँ देखते हैं? एकदम नंबर एक पे देखते हैं, नंबर एक पे देखते हैं, नंबर एक पे देखते हैं। अगर आप नहीं देख पा रहे हैं तो अपने मार्कशीट को थोड़ा चेक करवाइए फिर से पत्रकारिता का। है किससे मुकाबला है? मुकाबला हमसे सबसे है, सवाल करते समय थोड़ा समझा करिए, मुकाबला मुझसे है, बनारस से है मुकाबला, इन तमाम फिरका परस्त ताकतों का जिन्होंने पिछले 5 साल से आंखों में आंसू दिया और दिल में दर्द दिया, मानसिक रूप से प्रताड़ित किया, बहन बेटियों को दर्द दिया, किसानों को आतंकवादी कहा, नौजवानों को लाठियों से पीटा, बुनकरों का, हमारे बनारस का बुनकरी बर्बाद करके रख दिया, हमारा उद्योग चौपट हो गया, मुकाबला तो उन गद्दारों से है। योगी जी तो कह रहे हैं कि गर्मी निकाल देंगे आपके, उनसे कह दीजिएगा कि जो बुलडोजर खरीदे उनका ड्राइवर बनारस वाले मिश्रा जी बदलवा दिए हैं। अच्छा एक बात बताइए, हिजाब के मसले को इतना बड़ा बना दिया तो कहीं ना कहीं चुनाव में बीजेपी को फायदा होने वाला है इसका? काय का बड़ा बना दिया,
बहन बेटी का सवाल है, आपको आपको अपनी बहन बेटी का इज्जत नहीं होगा तो आप नहीं बोलेंगे। मुझे लगा कि नहीं, मुझे बोलना चाहिए और एक लाइन में सीधा जवाब देता हूँ कि हिजाब पर हाथ लगाओगे, घूंघट पर हाथ लगाओगे, दुपट्टा पर हाथ लगाओगे, शुरू से कह रहा हूँ और अभी भी कह रहा हूँ, चीर दिए जाओगे। बहन बेटियों के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। चार दिन से डटे हुए प्रधानमंत्री जी, हैं चार दिन से डटे हुए, डमरू भी बजा रहे मंदिर में जाकर। अब आई वो पीर से 35 साल पुराना वाला भीख भी मांगेंगे।